얘네는 물건이 뭔 뜻이지, 그래가? 사사바. 아빠는 목소리를 그리했고. 아빠는 목소리를 그리했고. 이거 거하라 해, 뭔 뜻이고, 내가. 야, 뭐지, 뭐지? 아니, 뭐지, 뭐지? 아니, 뭐지, 차오르, 뭐지? इस महिला की शिकायत सुनते ही सीएम नीतीश कुमार ने विभाग के मंत्री को फोन करने को कहा। जैसे ही पास खड़े अधिकारी ने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को फोन लगाया, सीएम नीतीश कुमार ने फोन पटक दिया और मंत्री को फोन लगाने की जिद करते रहे। आखिरकार हार कर अपर मुख्य सचिव को बुलाना ही पड़ा। अपर मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव उनको कह रहे हैं मंत्री को लगाओ। या बैठे बैठे, अरे बैठे बैठे, अरे बैठाओ ना बैठा। सहरसा से आई इस महिला फरियादी की शिकायत सुनकर सीएम नीतीश ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को तलब किया। डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, ये बच्ची है, इसका पति इसको घर से निकाल दिया है, इसकी मदद करवाइए। मुख्यमंत्री के आदेश पर गृह विभाग के ACS ने कहा कि मामले को तुरंत दिखवाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये आपका पति क्या है, कौन सी करता, कौन काम करता है? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी में नहीं है? सरकारी नौकरी में नहीं ना। यानी उनको नहीं, मंत्री जी को लगा। अपर मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव उनको कह रहे हैं मंत्री को लगाओ। या बैठे बैठे, अरे बैठे बैठे, अरे बैठाओ ना बैठा, अरे वहीं बैठिए ना, आपको बता दें। अरे भाई, ये बच्ची है, इसकी शादी हुई, अब पुत्री, तो इसके पति के द्वारा घर से निकाल दिया गया सर। एक्शन करवाई जरा। सहरसा की है बेचारी? सहरसा ना। हाँ, पूजा गुप्ता। पूर्णिया, सहरसा घर की, सहरसा शादी हुआ पूर्णिया। नहीं नहीं, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर एरिया की है सहरसा की, तो उसी को देखिए ना। इसको ले जाइए, कल बात कर लो। आइए जा, देख रहे हैं इतना कम बड़ा, देख रहे हैं।